उत्तराखंड में सोमवार को 24 घंटे के अंदर 128 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, वहीं 5403 नए संक्रमित मिले हैं। देहरादून जिले में 2026, हरिद्वार में 676, नैनीताल में 458, उधमसिंह नगर में 656, पौड़ी में 139, टिहरी में 415, रुद्रप्रयाग में 35, पिथौरागढ़ में 150, उत्तरकाशी में 192, अल्मोड़ा में 167, चमोली में 169, बागेश्वर में 105 और चंपावत में 215 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 282 हो गई है। गुजरात सरकार उत्तराखंड को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, यह आश्वासन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री रावत ने सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की थी और गुजरात सरकार से उत्तराखंड को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिस पर विजय रूपाणी ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। यूपी में 112 कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज मिलते ही आला अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सर्विलांस समेत पुलिस की कई टीमें संदिग्ध नंबर की पड़ताल करने के साथ ही उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम निर्णय लिए हैं। पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसलों में से एक, नीट पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित किया जाना है। साथ ही कोविड ड्यूटी में लगे जो चिकित्सा कर्मी 100 दिनों के कार्य को पूरा करेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देश में गहराए कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीबों को मई और जून 2 महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और डीलर आपके कोटे का अनाज देने से मना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच देश के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर 7 मई तक यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, झारखंड में आंधी और बारिश की आशंका नज़र आ रही है, तो वहीं इस दौरान कहीं कहीं पर बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। बारिश होने की वजह से इन राज्यों के तापमान में भी कमी आएगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत को मदद देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि वो 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की दवाई भारत भेजेगी, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। कंपनी के CEO अल्बर्ट बोरला ने ये जानकारी दी है। वकीलों के एक संघ ने कोविड-19 महामारी के बीच सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय को ICU बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और RT-PCR जांच के नतीजों में देरी समेत रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी से अवगत कराया है। कोविड-19 की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गुजरात उच्च न्यायालय वकील संघ ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की है। कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए मात्र 1.25 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश स्वीडन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स अभियान के तहत भारत को एस्ट्राजेनेका टीके की 10 लाख खुराक दान देने की योजना बनाई है। इस अभियान के अंतर्गत देशों को कोरोना वायरस के टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों को रूपांतरण की संभावना तलाश रही है। गृह मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन देश में 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है। साथ ही हम विदेशों से भी ऑक्सीजन का आयात कर रहे हैं।